कटनी के अरिंदम होटल में NUSI के दिव्यांशु अंशु मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता का किया आयोजन। कटनी जिले में नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें दो दिन पहले श्रीमती पद्मा शुक्ला कांग्रेस नेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्टा कंपनी के ऊपर आरोप लगाए। ठीक दो दिन बाद NUSI के अंशु मिश्रा द्वारा नौकरी को लेकर 10 तारीख को आंदोलन की प्रेस वार्ता में दी चेतावनी। नौकरी दो या डिग्री वापस ले लो। देश में तेजी से बढ़ रही शिक्षित बेरोजगारों की नौकरियों को देखते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपना पक्ष रखते हुए दिव्यांशु अंशु मिश्रा ने बताया कि रेलवे में 50,000 नौकरियां कम करने से युवा स्नातक के लिए नौकरी के अभाव के विरोध में NUSI के अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विपिन वानखेड़े, राष्ट्रीय समन्वयक के दिव्यांशु मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षित युवा बेरोजगारी की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और सरकार प्राइवेटीकरण करती चली जा रही है, जिससे युवा डिग्रियां लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसके विरोध में गणेश चौक से 10 तारीख को विशाल रैली निकालेंगे और SDM दफ्तर का घेराव करेंगे। NSUI का नारा, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। जब कमलनाथ सरकार थी तब इकोनॉमी के स्टैटिक डिपार्टमेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, सर्वेयर का एग्ज़ाम हुआ था। तब उनने शोभा ओझा ने भोपाल में ये बोला था, जब इनका मतलब होगा हम नियमित करेंगे और इनको बहाल करेंगे। पर शोभा ओझा के बोलने के बाद जब कमलनाथ सरकार बनी तो ना उन पर कोई ध्यान दिया गया और उनको हटा दिया, पद से ही हटा दिया गया। रीज़न आप बता रहे हैं जी कि ध्यान नहीं दिया गया जी। 5 साल सरकार चलती जी, उसके बाद आप आकर मुझसे ये कहते तो मैं इसका जवाब आपको अच्छे से देता। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बल बल के माध्यम से सरकार गिरा दी जी। जब सरकार गिरा दी उसके बाद हम इसके लिए उत्तरहीन हो गए कि हम इसमें क्या उत्तर दें। मैं आपको इससे पहले ही जायज मांग होती जी, आप उनसे बोलते हमारी पार्टी की सरकार होती, हम कमलनाथ जी के पास लेकर बात जाते, उसके बाद वो ना करते तो फिर हम उत्तर लाए थे इसका। जो जब सरकार ही नहीं है तो हम इसमें क्या उत्तर दें। नहीं नहीं, ये सरकार नहीं, आप जिस चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये करीब सरकार जब बनी थी ना तब उनकी सरकार थी, उनसे पहले ही उनने हटा दिया। 15 महीने का जो कमलनाथ जी का कार्यकाल था जी, उसमें मध्य प्रदेश में इतनी खुशहाली आई, नई नई योजनाएं आई जी। 15 महीने की बनाम 15 साल की सरकार से आप लोगों को सवाल करना चाहिए तो आप हमसे नहीं। तो इस पर अब आप क्या करना चाहते हैं कि ये जो सर्वेयर लोग घूम रहे हैं? हम लगातार मध्य प्रदेश की जनता के साथ हैं, जनहितैषी नीतियों के साथ हैं। नौकरी दो या फिर डिग्री वापस दो की मुहिम के अंतर्गत इस भारत वर्ष में जो भी युवाओं के साथ छलावा हो रहा है उस छलावे के विरोध में हमारा ये प्रदर्शन पूरे भारत। तो क्या अगर कमलनाथ सरकार आती है तो इन सभी को बहाल किया जाएगा? 100% कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सुशासन वापस लाएंगे। जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। धन्यवाद।